जनरल डिस्कशन ऑन बजट, श्री विष्णु प्रसाद शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। किसी घर के लोगों का सामाजिक बर्ताव अगर जानना जरूरी है तो उस घर के छोटे छोटे बच्चों से बातें करना चाहिए। इसी तरह किसी राज्य का पॉलिसी का अगर हम उसकी संभावना पर अध्ययन करना चाहेंगे तो उस राज्य का बजट भाषण पढ़ना जरूरी होता है। अभी मेरे हाथ में इस वर्ष का जो बजट संभाषण सदन में रखा गया वो है, तो इसमें मैं है तो बहुत सारे सब्जेक्ट बोलने के लिए, लेकिन कुछ एक विशेष सब्जेक्ट पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां 3.4 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड हॉर्टिकल्चर है। विश्व बाजार में महंगी बिकने वाली सिंकोना, एपिका, डायस्कोरिया जैसे महत्वपूर्ण दवाओं को सिंकोना निर्देशालय प्राथमिकता क्यों नहीं देना चाहती है, ये मैं सदन में प्रश्न के रूप में अपनी बात रखना चाहूंगा। सिंकोना बगान को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्तियां लंबे समय से क्यों रुकी हुई है, ये भी मैं सदन में अपना प्रश्न रखना चाहूंगा। सिंकोना बागानों से उत्पादित उत्पादों को बेचने और वितरित करने का पूरा अधिकार सिंकोना निर्देशालय को क्यों नहीं दिया गया है, अगर दिया गया है तो निर्देशालय अपने मूल्यवान उत्पाद को विश्व बाजार में ओपन ऑक्शन क्यों नहीं कर रहा है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ अध्यक्ष महोदय कि मैं सिंकोना बागान के निर्देशक से मिलना चाहा, वहां के समस्याओं पर बात करना चाहा, तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजा। जब मैंने उनको समय मांगकर लेटर लिखा तो उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजा। चिट्ठी मैं आपको दिखा दूं, ये सिंकोना का डायरेक्टर द्वारा भेजा गया चिट्ठी है। इसमें उन्होंने खुद को एक विशेष वर्कशॉप में बिजी पूरा महीना भर के लिए बताया और मुझसे नहीं मिला। वो वर्कशॉप था रिसर्जेंस ऑफ ऑरेंज प्रोडक्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ साइट्रस डिक्लाइन इन ईस्टर्न हिमालय। बागान सिंकोना का है और उसमें आप संतरे के ऊपर चिंता कर रहे हो, सिंकोना की कोई चिंता ही नहीं। सिंकोना जो इस राज्य को अधिक से अधिक राजस्व दे सकता है, और इस तरह का बर्ताव एक जनप्रतिनिधि के साथ एक निर्देशक कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये राज्य किस दिशा में जा रहा है। मिक्सअप हो रहा है, कई चीजों को मिक्सअप किया जा रहा है, कई डिपार्टमेंट को मिक्सअप किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिंकोना विशेषज्ञों के ही सिंकोना बगान का डायरेक्टर बनाया जाए। मैं अपना आज का दूसरा सब्जेक्ट ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें आता हूं। कुछ दिन पहले ये शायद 30 जनवरी 2024 का एक ऑर्डर मेरे पास है। इसके जरिए वर्तमान सरकार, राज्य सरकार अल्पसंख्यकों का भाषा खत्म करने जा रही है, क्योंकि यहां एक सरकारी सर्कुलर कहता है जो लोग डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के तहत क्लर्कशिप के परीक्षा के लिए 2019 में आयोजित ग्रुप बी पार्ट टू परीक्षा में पास हुए थे, जो परीक्षा बंगाली के अलावा हिंदी, उर्दू, नेपाली या संताली भाषा में पास कर चुके हैं, उन्हें दोबारा बंगला भाषा में परीक्षा देनी होगी पास होने के बावजूद। ये ऑर्डर निकला है। भाषा अप्रत्यक्ष रूप से थोपा जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हिंदी, उर्दू, नेपाली ये भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा है। राज्य सरकार इन भाषाओं का सम्मान करे। मैं अपने चौथी विषय पर जाना चाहता हूं, ये लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पर। मैंने इससे पहले भी कई बार सदन को कहा है कि हमें 5 डेसिमल जमीन नहीं, श्रमिकों को
लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत इसका जिसका जितना है उतना ही मिलना चाहिए, ये न्याय ये सरकार श्रमिकों के ऊपर करे, चाहे वो श्रमिक चाय बागान का हो चाहे वो श्रमिक सिंकोना बागान का हो। लेकिन अभी मेरे हाथ में ये जो राज्य सरकार बांट रहा है पट्टा, इसका कॉपी है, ये इसको रोका गया था एक बार, फिर चालू किया गया बांटने के लिए, और इसमें वही 5 डेसिमल ये पट्टा। तो लिमिटेशन एक्ट होते हुए उसको दरकिनार करके ये क्यों पकड़ाया जा रहा है, ये भी मैं सदन को पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लोगों को जानने का अधिकार है। मैं अपनी चौथी बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, उससे कई घर तबाह हो गए, और उसको 4 अक्टूबर के सवेरे मैंने अपने आंखों से उस नजारा को देखा है, उस भयावह मंजर को मैंने देखा है, और देखने के बाद मैं उसी दिन फिर कलकत्ता के लिए रवाना हुआ, और 5 तारीख को ठीक दूसरे दिन मैं अध्यक्ष महोदय के यहां आकर मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था। ये रिक्वेस्ट था कि हमारी ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की कमिटी है, ये कमिटी उस डिवास्टेशन को मापने के लिए वहां के रीजनल लेजिस्लेचर्स के का सहायता लेते हुए उस जगह का भ्रमण करे और वहां का सही सही आकलन हो। लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया है, बड़े दुख के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है। कल मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे, हमने इसका आकलन किया है और केंद्र सरकार को दिया है, केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अगर आपने आकलन किया है तो यही सदन चलते हुए, सदन बंद होने से पहले वो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजा है आपने, वो हमें भी मुहैया कराइए, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। लेकिन मुझे जहां तक ज्ञात है इसका आकलन नहीं हुआ है। इस तरह का कई चीजें कहने के लिए है, लेकिन लाल बत्ती जल चुकी है। मेरे लिए सिर्फ 8 मिनट का वक्त था, बहुत सारा मैं वो करके आया था, कोई बात नहीं। ये जिन मुद्दों को मैंने यहां उठाया है, मैंने सीरियसली पब्लिक के फेवर में उठाया है, मैं किसी के भला बुरा कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। इन मुद्दों पर मैं समझता हूं सदन जवाब भी देगी और इस पर संज्ञान भी लेगी। धन्यवाद। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।